इसका नाम हर्षद है सर, ये ह्यूमन राइट्स ऑफिसर के मर्डर का आई विटनेस। तो फिर ये बताओ, इतने दिनों से पुलिस को इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने? मैं डर गया था सर, लेकिन जब से सीआई साहब को देखा है हिम्मत आ गई है सर, भरोसा बढ़ गया है, इसीलिए मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। दामोदर ने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार डाला, उसे तो सजा मिलनी चाहिए सर। शंकर, एक विटनेस काफी है दामू का अरेस्ट करने के लिए, कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लेकर कल ही उसे सलाखों के पीछे डाल देते हैं। ये रिपोर्ट्स इमीडिएटली आईजी ऑफिस में फैक्स करो। सर, सर, दामोदर ने आई विटनेस का खून कर दिया, आप खुद देख लीजिए। बटालियन क्यों लाए? मिस्टर दामोदर, यू आर अंडर अरेस्ट। चार्ज क्या है? हर्षद नाम के आई विटनेस के मर्डर का इल्जाम है तुम पर। hey! डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है एसपी साहब को क्लियरली बताओ। सर, दामू जी से सीआई साहब को शायद कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का खून दामू भाई ने किया है सर, गवाही देने के लिए सीआई साहब ने मुझे फोर्स किया था। इतना ही नहीं सर, दामू जी के डुप्लीकेट से मेरे फेक मर्डर का वीडियो भी इन्होंने बनवाया है। उसके बाद सीआई साहब की कस्टडी में मुझे किसी ने मारने की कोशिश की तो मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला सर। मिस्टर शंकर, डिपार्टमेंट ने पावर पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, अपने पर्सनल यूज करने के लिए नहीं। यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड। मिस्टर दामोदर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। इतने दिन तूने मेरे लोगों के साथ खेला, तेरी बारी है। मुझे पता था कि तेरा आदमी मुझ पर नजर रख रहा है, अब अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ। अगर बचना चाहते हो तो मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर लगे एलिगेशंस क्लियर कर दो। मेरी वजह से आपको सर झुकाना पड़ा सर, दामू ने मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर देना सर। वो मुझसे नहीं बच पाएगा, मेरे भाई की मौत का कारण भी। आपके भाई को मारा? आईजी सर ने मुझे वो फाइल दी तब पता चला, इस केस में जिस कलेक्टर ने सुसाइड कमिट किया वो मेरा भाई था। तभी मैंने दामू को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन टारगेट मिस हो गया। शंकर का टारगेट कभी मिस नहीं होता। मैं जानता हूं तुमने कोई गलती नहीं की थी, उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारे भैया ने मुझे बताया। भैया और भाभी की आत्महत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मरने वाला ह्यूमन राइट्स ऑफिसर तुम्हारी भाभी का क्लासमेट था। लोगों को इस पावर प्लांट से हानि पहुंचेगी, इस सिलसिले में आपका सपोर्ट चाहिए सर। आप रेखा के दोस्त हैं इसलिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इस प्रोजेक्ट में ऑफिसर का इंटरफेरेंस दामू को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने ह्यूमन राइट्स ऑफिसर को मार डाला। उसके बाद तुम्हारे भैया ने केस की सारी डिटेल्स एसपी अर्जुन राव और मिनिस्टर नागराज को बताई। उन लोगों ने तुम्हारे भाई का साथ देने का वादा किया। कुल मिलाकर 1500 लोग रहते हैं सर हमारे गांव में। बच्चों को पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ता है।
हमने नजदीक स्कूल खोलने की कोशिश की तो दामोदर ने उस जगह पर कब्जा कर लिया। विद्या सब बच्चों का हक है, मुझे कुछ और टाइम दीजिए, आपके गांव में जल्दी ही स्कूल खुलेगा, भरोसा रखिए। थैंक यू सर। मिस्टर कलेक्टर, वी आर फ्रॉम एसीबी, इनके ब्रिक फैक्ट्री लीगल है फिर भी आप इनसे जबरदस्ती रिश्वत मांग रहे हैं, ऐसी कंप्लेन लिखवाई है। नहीं सर, ये तो स्कूल के काम से आए। अरे झूठे सर, आप चाहे तो फोल्डर खोल के देख लीजिए, 5 लाख लाने को कहा था। What is this? He's lying, sir. मैंने कोई डिमांड नहीं की। हाँ सर, आपको जो भी कहना है इंटरोगेशन में कहिए। You are under arrest. अब सब कुछ क्लियर है सर, दामू ने जानबूझकर मुझे इस केस में फंसाया। आपको इस केस में फंसाकर उन्हें क्या फायदा होगा? दामू इलीगली एक पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, उसकी रिपोर्ट मैंने मिनिस्टर नागराज को दे दी थी। एकदम झूठ, ये कलेक्टर सरासर झूठ बोल रहा है। आज तक मैं इसे कभी मिला ही नहीं और ना ही इसने कोई रिपोर्ट दी। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ये हम जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम उछाल रहा है। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। सर, इसी सिलसिले में जिस ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का मर्डर हुआ था उसकी जानकारी मैंने एसपी अर्जुन राव को दी थी। यस सर, उस केस पर हमारे डिपार्टमेंट ने डीप इन्वेस्टिगेशन भी की थी, फिर कुछ सच बाहर निकले। वो ह्यूमन राइट्स ऑफिसर और कलेक्टर साहब की वाइफ के नाजायज संबंध। कलेक्टर साहब ये बर्दाश्त नहीं कर सके और ह्यूमन राइट्स ऑफिसर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये रही आई विटनेस की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब ने पावर प्लांट के लिए मुझसे 10 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। जब मैंने ना कहा तो मुझे कई तरह से ब्लैकमेल भी किया। हम दिन रात मेहनत ऐसे करप्ट ऑफिसर्स की जेब भरने के लिए नहीं करते हैं सर, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन लोगों ने अपने कदम वहीं पर नहीं रोके, तुम्हारे भैया के जेल जाने के बाद उन्होंने रेखा को टारगेट किया। तुम्हारा पति जेल में है और बॉयफ्रेंड ऊपर चला गया, अब क्या करोगे? आप फोन है भाई, ये शादीशुदा है तो इसे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद जब भरत बेल पर घर वापस आया तो सारे के सारे न्यूज चैनल्स वाले उसी की बदनामी कर रहे थे। रिश्वत लेने के कारण पकड़े गए कलेक्टर भरत के केस में कुछ नई बातें सामने आई हैं। हमें शक है कि हाल ही में जिस ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का मर्डर हुआ था उस ऑफिसर के कलेक्टर भरत की पत्नी रेखा के साथ नाजायज संबंध थे, इसलिए भरत ने उस ऑफिसर का मर्डर कर दिया। पुलिस अभी तक इस केस की छानबीन कर रही है। ये सब क्या है भैया? सुनो बहन, परेशान मत हो, हम जानते हैं कि सच क्या है। इनका तो काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। आपसे कुछ बात करनी है पापा। मुझे पता है तुमने कोई गलती नहीं की है। मैंने गलती की है पापा। बचपन में उस लड़के की मौत का कारण शंकर नहीं था पापा, मैं था। आपकी इज्जत बचाने के लिए वो खुद जेल चला गया। तुम पापा से इस बारे में कुछ नहीं कहोगे, प्रॉमिस करो। आपकी बात मानकर हमसे दूर भी हो गया, ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। ये बात उसने मुझे उस दिन क्यों बताई, ये समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी। अंकल जी। हाँ। मैं बहन और जीजा जी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ, उनको थोड़े चेंज की जरूरत है। ठीक है बेटा। दादाजी दादाजी, क्या बात है? मेरे साथ आइए। वो देखिए। ये क्या हो गया? मेरा बेटा लोगों की भलाई के लिए एक जंग लड़ रहा था, उसे उन्होंने जलील किया और फिर उसकी मौत की वजह बन गए।